हेलो जी, वेलकम टू माय स्टाइल माय फिटनेस। आई एम रवि सप्रा। और दोस्तों, जैसे कि आपने अभी तक शायद नोटिस किया होगा कि मैं जब भी एक्सरसाइज बताता हूँ तो वो हमेशा ओवरऑल बॉडी की एक्सरसाइजेज होती हैं। जैसे कि जैसे मैं 5 एक्सरसाइजेज बताता हूँ तो उनमें से एक आर्म्स एंड शोल्डर्स की होगी, एक चेस्ट और बैक की होगी, एक स्टमक की होगी, एक लोअर बैक की होगी और एक लेग्स की होगी। तो ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हम जब भी एक्सरसाइज करें, जब भी हम वर्कआउट करें तो अपनी ओवरऑल फिटनेस पर ध्यान दें, कभी भी सिर्फ एक बॉडी पार्ट पर ध्यान ना दें। ये इसलिए ज़रूरी है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं, अगर आप डेली सिर्फ पुशअप्स वुशअप्स मारते रहेंगे तो आपकी आर्म्स और चेस्ट तो स्ट्रांग हो जाएंगी लेकिन आपकी लोअर बैक और आपकी लेग्स वीक रह जाएंगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि जब हम एक्सरसाइज करें तो हम ओवरऑल बॉडी हमेशा हर एक बॉडी पार्ट पर ध्यान दें। हाँ, जब आप थोड़े से एडवांस हो जाते हैं तो आप डेली बेसिस पे एक एक बॉडी पार्ट पकड़ सकते हैं, लेकिन तब भी आपको रेगुलरली सारे बॉडी पार्ट्स पे एक एक करके ध्यान देना ही पड़ेगा ताकि आपकी ओवरऑल फिटनेस डेवलप हो। और सारी मसल्स का एक साथ डेवलप होना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा बॉडी बैलेंस हमेशा बना रहे, हमारी फिटनेस हमेशा पूरी तरह से बनी रहे, तो आप इजीली सारे वर्कआउट्स आराम से कर पाएंगे। तो इसी के साथ हम आज का वर्कआउट शुरू करते हैं, हमेशा की तरह 5 एक्सरसाइजेज। उससे पहले वार्म अप, स्ट्रेचिंग, देन एक्सरसाइजेज। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो ये थी मेरी आज की 5 बेसिक एक्सरसाइजेस। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं ऐसी और अच्छी अच्छी वीडियोज आपके लिए लाता रहूँगा। और जैसे मैंने बताया, हमेशा अपने फुल बॉडी वर्कआउट पर ध्यान दीजिए। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, थैंक यू, स्टे फिट, स्टे हेल्दी।